सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूँ आपका चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर देने वाला हूँ, नई एक अलग ही तरह की। साथ ही NWR के भगत की कोठी शेड को अब और इलेक्ट्रिक इंजन मिलने वाले हैं। क्या है पूरी खबर मैं बताता हूँ आपको आगे। और NWR की भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें अब भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाए जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर बताता हूँ मैं आपको आगे। फिलहाल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फुलेरा जोधपुर रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग अपडेट मैं मेरे चैनल पे देता रहता हूँ। तो खबर कुछ ऐसी थी कि NWR की कुछ ट्रेनें ऐसी थी जिनका पूरा ही जो रूट है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था, जैसे कि ज़्यादातर ट्रेनें उसमें उदयपुर की थी। पर NWR के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिक इंजन ना होने के कारण अभी तक उसको नॉर्थन रेलवेज का गाजियाबाद लोकोमोटिव शेड जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके NWR के जो भगत की कोठी शेड है उसके पास लगभग अभी तक 30 लोकोमोटिव हो चुके हैं इलेक्ट्रिक इंजन, और अब उसको 8 इंजन और दिए जा रहे हैं, गाजियाबाद लोको शेड से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब खबर कुछ ऐसी है कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, ये जो 12414 और 12413 है, जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस, इस ट्रेन को छोड़ के बाकी इस लिस्ट में आप जितनी भी ट्रेन देख रहे हो, जिसमें से पहली ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर एक्सप्रेस, तीसरी है उदयपुर योगनगरी ऋषिकेश, चौथी है उदयपुर कामाख्या कविगुरु एक्सप्रेस, और छठी है उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में चलने वाली हम सफ़र एक्सप्रेस। ये सारी ही जो गाड़ियाँ हैं इनको NWR ओन करता है। NWR जोन की ये गाड़ियाँ हैं जिनको अभी तक गाजियाबाद शेड के ई लोकोमोटिव्स लेके जाते थे, और हम सफ़र एक्सप्रेस तो जो लास्ट वाली है वो तो खैर अभी तक डीजल इंजन से चलाई जा रही थी, पर अब इसको इलेक्ट्रिक इंजन पर स्विच किया जाएगा। और अब इन सभी गाड़ियों को गाजियाबाद नहीं बल्कि भगत की कोठी के इंजन देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है पहली बात तो। और भगत की कोठी को ये जितने यहाँ जितने भी आप लोकोमोटिव के नंबर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये 8 लोकोमोटिव अब भगत की कोठी जो सेड है उसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उसके अलावा अब बात करें अगर पूजा एक्सप्रेस की, तो पूजा एक्सप्रेस जो है वैसे ट्रेन तो ये नॉर्थन रेलवे में आती है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे आप लिख देख सकते हो कि इसको अजमेर से और दिल्ली के बीच में भगत की कोठी का लोकोमोटिव दिया जाएगा, यानी NWR को लोकोमोटिव दिया जाएगा, और दिल्ली से जम्मू तवी के बीच में इसको अभी गाजियाबाद का लोकोमोटिव ही दिया जाएगा। हो सकता है कि दिल्ली में इसका जो है लोको रिवर्सल होता है, तो इसलिए इसमें जो है अब अजमेर तक भगत की कोठी का लोको लगाया जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन ये जो सारी छः ट्रेनें हैं ये एक बहुत ही मेन सेक्शन पर चलती है जो है जयपुर दिल्ली सेक्शन, और इनमें अब भगत की कोठी के इंजन देखने के लिए मिलेंगे इस रूट पर दौड़ते हुए पहली बार। अभी तक जो है भगत की कोठी के लोकोमोटिव ज़्यादातर जो है एंड्राकुलम अजमेर मरुसागर एक्सप्रेस में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जो है अगर डेली ही इन ट्रेनों में भगत की कोठी के इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाकी ये थी मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी न्यूज़ कि इन सब ट्रेनों को जो है अब लिंक भगत की कोठी यानी NWR के ही दिया जाएगा, क्योंकि अब NWR के पास सफिशियंट इलेक्ट्रिक इंजन हो चुके हैं और अब 8 लोकोमोटिव और मिल चुके हैं। और बाकी बची हुई NWR की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको जल्दी ही अपना NWR का खुद का भगत की कोठी का इलेक्ट्रिक इंजन दिया जाएगा। और जैसे कि सूर्यनगरी एक्सप्रेस वगैरह हैं, सूर्यनगरी एक्सप्रेस हो गई, रणकपुर हो गई, ये गाड़ियां तो NWR की है लेकिन इनमें जो है WR के इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, जैसे वडोदरा के और वलसाड़ के, लेकिन फ्यूचर में है इनको भी भगत की कोठी के इंजन दिए जाएंगे, इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो।